वेद उपर्युक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भूर्माते संगस्त्वकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगाधनञ्जय बुद्धौ शरणमन्वेच्छ कृपणाः फलहेतव। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धि योग तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम्। संबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को ही इस लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है।